नमस्कार दोस्तों, फिलो सब नेचर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह के और अच्छे प्लांट्स लेके आए हैं दोस्तों। ये प्लांट्स इजी टू मेंटेन है, ज़्यादा इसमें आपको मतलब इसके प्लांट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ज़्यादा खाद वगैरह की, और इसमें फंगस वगैरह भी कम लगते हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट है दोस्तों। जैसे आप मोगरा का लगाते हो, स्वर्ण चंपा का लगाते हो, जिसमें भिनी भिनी खुशबू आती है, तो अगर खुशबू वाला प्लांट्स आप चाहते हो कि प्लांट में बहुत अच्छी खुशबू आए, तो आप ये प्लांट्स लगा सकते हो। इस प्लांट्स का नाम है रात रानी, इसे नाइट क्वीन भी कहा जाता है, और विंटर फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों। इसमें गुच्छे गुच्छे में देखिए फूल आने लगे हैं। लगभग ये लगभग मतलब विंटर का क्या 4-5 महीने तक ये फूल खिलते ही रहते हैं, और गुच्छों गुच्छों में बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी भीनी भीनी खुशबू आती है, 1 से 2 दिन तक रहता है और ये झड़ जाता है, लेकिन इसके जो फूल जब खिलेंगे तो आसपास काफ़ी अच्छा खुशबू वाला माहौल रहता है और बहुत ही अच्छा है। मैंने इसको प्लांट्स को देखा है कि इसमें कम खाद या फंगस के कम अटैक होते हैं और खाद का कम रिक्वायरमेंट होता है। सिंपल मिट्टी में भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ करने वाला प्लांट है रात रानी का। ये गमले में भी लग सकते हैं, ज़मीन पे भी लग सकते हैं, क्रीपर टाइप का भी है। और इसको अगर आप छोटा में ही घना करना चाहते हो तो आप नीचे से छटाई कर सकते हो। हालांकि मैंने अभी छटाई किया नहीं है, तो काफ़ी बड़ी इसकी डाली देखिए हो गया है। और ये मैंने गमले में लगाया है देखिए, और ये तो इस बार मैंने इसकी छटाई नहीं की थी तो फैल गया है। अगर आप चाहो तो छटाई कर सकते हो, तो छोटा में काफ़ी घना हो जाएगा और गुच्छे गुच्छे में फ्लावरिंग होंगे दोस्तों। तो इस टाइप का आप जो खुशबू वाला अगर प्लांट्स आप चाहते हो तो ये रात रानी का आप लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा है। इसकी कटिंग आप कटिंग कहीं से भी लगा सकते हैं। ये जो ब्राउन पार्ट आप देख रहे हो, यहाँ से इसकी कटिंग काट के लगा सकते हो। इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हो तो इस समय इसके ग्रोथ तो अच्छी होगी, फ्लावर नहीं आएंगे लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। और इस नेक्स्ट ईयर आपके ये फिर फूलों फूल खिलेंगे, तो आप इस समय इसका मौसम है रात रानी का मौसम है, तो इसकी कटिंग आप लगा सकते हो। सिंपल मिट्टी में भी अच्छा ग्रोथ करेगा, और अगर आप थोड़ा सा और चाहते हो अच्छी बेहतर मिट्टी, तो आप उसमें बालू और वर्मी कंपोस्ट दोनों मिक्स करके आप इसको लगाना, तो बहुत ही बेहतर इसका मतलब इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और ये जो आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा लगता है, गुच्छे गुच्छे में इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी लगती है, खुशबू भी बहुत अच्छा लगता है मोगरा की तरह। तो इस तरह आप इसको लगा लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, इजी टू मेंटेन है। बाकी कुछ प्लांट्स होते हैं उसमें फंगस वगैरह ज़्यादा लगते या खाद पानी ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन ये जो रात रानी का है जिसे नाइट क्वीन भी कहा जाता है, इसमें ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल मिट्टी में भी अच्छा ग्रोथ करने वाला प्लांट है, तो आप इसे लगा लीजिए दोस्तों। और मेरी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्लांट की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।